आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके सजेशन हमें दी है अभिषेक सिंह ने और वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान MSK वर्सेस इरफान जुनेजो। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये तो है ना लद्दाख वाली साइड पे, नहीं पेंगोंग लेक। अरे वो क्या नाम है इस मूवी का, थ्री इडियट्स वाली लेक थी ये, रानी को फोर्ट जो है वो। ओके बहुत जमा पाकिस्तान मुंबई आगाज दिल्ली वाले मीटअप में हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये महंगा वाला लेंस हमें दिया है 2470। वाओ। एंड यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतना मोहब्बत इतना महंगा लेंस क्या, सीरियसली क्या हुआ? आज सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपका MSK द मास्टर प्लास्टर बैटिंग कर रहा है इंडिया से, और मैं हूं इरफान जुनेजो द रावलपिंडी एक्सप्रेस पाकिस्तान से बोलिंग करते हुए। देखते हैं कि आज का ये ब्लॉगर क्रिकेट मैच कौन जीतता है। इरफान भाई क्या आप रेडी हो? बिल्कुल ठीक है, फिर आने दो पहला बॉल। लो जी तैयार है हमारी पहली बॉल 140 की स्पीड। हमारे पास इरफान जुनेजो सीन्स और गेम्स और वाइब्स लियारी से लेके नारान तक पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं ऐसा मुझे लगता है। कंफर्म नहीं है लेकिन अभी के लिए आप ये चला लो। अच्छा आपको लगता है लेकिन हमें कंफर्म्ड पता है हमारा MSK फुल जहर आदमी है। जब ऐसा छींकता है ना हवाओं में जहर होता है, सारे जीव जंतु एक झटके में खत्म। हमारा MSK ना फुल हीरो हीरो जहर वाला हीरो। और हमारे MSK भाई के पास यामाहा YZF R1 है। नहीं इरफान भाई तो स्कूटर चलाते हैं, ये स्कूटर खड़ी है मेरी, ये कुछ ऐसी आवाज करती है। क्या बात है, मतलब नॉट कमिंग स्लो। ये हमारी दूसरी बॉल 160 की स्पीड पे। हमारे पास कराची का चाइना पोर्ट। ब्रो ये तो हमारे यहाँ का बैंडा वाली सीलिंग है, बस थोड़ी सी हाइट छुटी हुई है। हमारे पास मुंबई का वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है विद ग्रीन चटनी मिर्च मार के। यार ये टेस्ट मिस किया हम लोगों ने। वड़ा पाव नहीं है भाई, ये अंडे वाला बर्गर है। क्या यार कुछ भी कह रहे हो, मतलब कभी पाकिस्तान आओ तुम्हें पंजाब दिखाएं, हैदराबाद दिखाएं, तुम्हें थोड़ा समझ आए। भाई माफ करना आपका जियोग्राफिकल नॉलेज जो है ना थोड़ा सा कमजोर है। पंजाब और हैदराबाद इंडिया में है, अगर यकीन नहीं आता मेरी बात पे तो हमारे खबरी हैं गूगल, उनसे पूछ लो। व्हाट इज, अब देखना इरफान भाई तुम्हारे हर बॉल पे ना हर बॉल पे तुम्हारे सिक्सर है। हमारे पास सोनू निगम है, हमारे पास आतिफ असलम है, इंडियन क्लासिक म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, मोहम्मद अली रोड, बंस रोड अपनी बंस रोड कराची वाली, कपिल देव, वसीम अकरम, ICC वर्ल्ड कप 1983, ICC वर्ल्ड कप 1992, सानिया मिर्जा, शोएब मलिक। Alright, so, मजाक में हमने बहुत सारी सिमिलैरिटी बता दी। मैंने इंडिया में कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हुए हैं और पाकिस्तान से इरफान भाई ने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हुए हैं, तो आप ये ड्रोन शॉट्स देखो थोड़ा, तब तक मैं यहाँ पर ही हूँ, यहाँ पर ही बैठा हूँ, आप देखो फिर बात करते हैं। पिशावर, मालवा, कराची, पैनिकोटा, कोहिमा, हैदराबाद, सदर, अलीबाग, मुबारक विलेज। मुझे नहीं लगता है कि आज का मैच कोई जीता है, मेरे हिसाब से ये मैच ड्रॉ हुआ है। और हमने हेल्दी वे में दोनों मुल्कों का कंपैरिजन किया सिर्फ सिमिलैरिटी बताने के लिए। हर मुल्क अपने आप में ग्रेट है, पता है हमारा रंग, बात करने का ढंग, खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं दोनों मुल्कों की, लेकिन
ये सारी चीजें सिमिलर होते हुए भी हम लोग बहुत अलग हैं। और जाना कंट्रोवर्शियल टॉपिक, खैर हमारे इरफान भाई उनके इंडियन फॉलोअर्स से कुछ कहना चाहते हैं, ये उनका मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। जितने भी लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप सबको आपका इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, मतलब महंगाई कम हो, सफाई हो, सेफ्टी हो। और दुनिया में हर शख्स यही चाहता है, इंडिया में रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला। तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम दोनों लड़ते क्यों रहते हैं आपस में, हम दोनों, मतलब मैं और सलीम भाई, मतलब पाकिस्तानी और इंडियन। और मुझे इंडिया का नहीं पता, लेकिन कंपैरिजन मैंने इतना देखा है कमेंट्स में, इतना देखा है। और दूसरों को बुरा बोल के आपको अपने बारे में अगर खुशी महसूस होती है, तो वो सोचने की सबसे लोएस्ट कैटेगरी। मैं आपको बीइंग अ पाकिस्तानी विश कर रहा हूँ, आपकी खुशी में शरीक हो रहा हूँ, आपके साथ खुशी बांट रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुशी मेरे लिए बहुत ऊपर लेवल की है, ज़्यादा दिन मैं कंपैरिजन करूँ हम इसमें अच्छे हैं, हम उसमें अच्छे हैं, ये मेरी सलीम भाई की मजाक की बात थी। और मैं, ये तो सिर्फ टीज़र है, आप दुआ कीजिएगा कि हम दोनों मिल के किसी दिन फिज़िकली कोलैब कर सकें। और मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों से वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं बहुत शुक्र भेजता हूँ कि हम लोग आज़ाद हो गए भाइयों, वरना 3 गुना लगान देना पड़ता अंग्रेज़ों, समझ रहे हो ना, मतलब क्रिकेट मैच खेलना पड़ता, 3 गुना लगान कौन देता भैया, बारिश भी नहीं हो रही। व्हाट इज इरफान, बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, मेरा पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर है, उनका काम मुझे अच्छा लगता है, उनका वीडियो बनाने का स्टाइल, उनका फोटोग्राफी। तो अगर आपको उनका काम देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उनके यूट्यूब का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक है, देख सकते हैं, और अगर पसंद आया तो फॉलो कर सकते हैं उन्हें। अगर तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये असली पिक्चर है, तो मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हिंदी में महत्वपूर्ण बात, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। बस टीजर हुआ खत्म। थैंक यू मेकिंग मी पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम। आएंगे रेगुलर, समझता हूँ आपको, यहाँ पर सारी बात नहीं कर सकता, आएंगे। Subscribe. यार सलीम भाई, मुझे एक बात बताओ यार, अगर आपकी गवर्नमेंट को कोई वीडियो पसंद नहीं आती YouTube पे, तो वो क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट उस वीडियो को ब्लॉक कर देती है, आपकी गवर्नमेंट क्या करती है? अच्छा, हम तो भाई पूरा YouTube बंद कर देते हैं। भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो देखा जाए तो उन्होंने एक छोटे से क्लिप में जो है बहुत बड़ा मैसेज लोगों को डिलीवर किया। जो लोग अपने दिल में यार नफरत रखते हैं ना, उन्हें निकाल देनी चाहिए नफरत, और जो है लोगों को एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे के बेशक वीडियोस के थ्रू, बेशक मिलने के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाए। बिल्कुल, और मतलब मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए कि दोनों साइड से जो डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग, उनको अपने अपने प्रोफेशन अकॉर्डिंग कोलैबोरेट करना चाहिए, ताकि बातचीत ज्यादा से ज्यादा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो। और पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग कॉमेंट सेक्शन और बहुत सारी चीजें आती है, अब हमें नहीं पता कि मतलब कि क्या चीज हो रही है कहीं पर। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत का जो कैसे बोलते हैं उसका जवाब ना दें, या हम लोग कहेंगे नहीं अगर किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया तो हम लोग चुप करके बैठे रहे। आप बिल्कुल जवाब दें, लेकिन तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसमें आप ये समझे कि सब लोग ही खराब हैं, सब लोग ही गलत हैं। कुछ लोग मैं मानती हूँ बिल्कुल गलत होते हैं, उनकी सोच गलत होती है, उनका चीजों को प्रैक्टिकली हम कहेंगे कि इम्प्लीमेंट करने का तरीका गलत होता है, बातें करने का तरीका गलत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां के रहने वाले सब लोग गलत होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। यार देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश
बांग्लादेश, ये तीन मुल्क ऐसे हैं कि ये एक घर है, और घर में अगर बात करें तो घर में पांडे खड़कते हैं, ठीक है ना। अगर वो खड़कते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम खड़कते रहे, कभी खामोश भी हो जाना चाहिए, चीजों को स्मूथ चलने देना चाहिए। तो ये जो चीज होती है ना कि क्या नाम लेते हैं, उठ के कोई थोड़ी सी बात हुई, उठ के उसका बवाल बना दिया, इस चीज को ना दोनों मुल्कों के लोगों को अब खत्म करना होगा। एक कम्युनिकेशन बैरियर जो है उसे खत्म करना होगा। हम मोस्टली अगर आपको याद हो, जब हम रोड साइड इंटरव्यू करते थे तो हमें एक अंकल वहां पे मिले थे, वो आए हुए थे यूके से आए हुए थे, वो कहते कि पाकिस्तान आओ तो आपको सिर्फ पता चलता है पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन जब यही इंडियंस और पाकिस्तानीज और बांग्लादेशी जब बाहर मिलते हैं वहां पर जो है कोई इशू नहीं होता। कहते वो कहते वहां पर जो है हम अपना यानी कि रंग, अपनी तरह के बाल, यानी कि ब्लैक हेयर्स और जो हमारे यहाँ पे एक स्किन के लोगों को देखने के लिए तरस जाते हैं वहां पर, और वहां पे कहते हैं बेशक हमें इंडियन मिले, पाकिस्तानी मिले, बंगाली मिले, वहां पे हम इस तरह होते हैं जैसे हम एक ही घर में रहते हैं। तो फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, जब होना अपने चाहिए। घरों में हो तो ये ही चीज होनी चाहिए। और लेकिन ये कि हाँ, मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें भी नजर आती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिविटी नहीं है, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा है, और जो नेगेटिविटी है उसकी मात्र चाहे वो एक्सप्रेस करने में ज्यादा, लेकिन आई थिंक पॉजिटिविटी कुछ इस तरह की है कि वो आपके ना पीछे आपको थपकी देती रहती है, आपको बकअप करती रहती है कि नहीं, हौसला हम आपके साथ है। मुझे लगता है उस सिनेरियो में फिर जो नेगेटिविटी वो आप पर इतना ज्यादा असर नहीं करती। लेकिन हाँ, लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि आना जाना होना चाहिए, लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजों को लेकर। स्पेशली अगर मैं हमारी साइड की मैं बात करना चाहूंगी, मैं पाकिस्तान की बात करना चाहूंगी, यहाँ पर लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां शुरू से थी और अभी आकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें बहुत सारी चीजें ये जानने की जरूरत है कि हम हैं कहाँ से, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि उनको अभी तक यही नहीं पता है कि बाय रूट्स हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है जब हम लोग ये सब चीजें सीख जाएंगे ना, तो हमारे लिए ये कोई वो बड़ी बात नहीं होगी कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, हमारे रिलेशन अच्छे से हों। और जहां तक जैसे इरफान ने भी बीच में बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में एक वो वाकई में हम लोगों ने आजादी सबने मिलकर अंग्रेजों से ली थी, ठीक है ना। हम लोगों ने एक दूसरे से आजादी नहीं ली थी, क्योंकि उससे पहले भी हजारों सालों तक हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ना ये चीजें वाकई में सोचने वाली हैं और यही चीजें लोगों को सिखाने वाली भी हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम जो है चीजों को देखते हैं ना, तो यानी कि एक स्पेशल चीज को देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्याल पैदा होते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासिक एरा की बात करें, 80s 90s की बात करें, तो उस जमाने में क्या था, आपके पास एक न्यूज़पेपर था या एक दो चैनल था जो आपका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, आगे सोशल मीडिया आया, तो वो लोग जो चेंज चाहते हैं या जो लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज जो है वो फिर एक्सप्लोर करना शुरू की, और बहुत सारे लोगों को चेंज, यानी कि बहुत सारे लोगों में आपको चेंज देखने को मिलता है, वो फिर मानते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे जब कोई बात करता हूं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यकीन नहीं करता, खासतौर पर जब इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो यकीन नहीं करता, तो वो कहता है नहीं वहां पे ये है, वो है, फला है। लेकिन क्या है कि जब मैं उसे सेकंड मुलाकात में मिलता ना, उसकी एक खूबी है, वो घर जाके खुद उस चीज पे रिसर्च करता है, और फिर वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे थे, ये इस तरह ही है और ये इस तरह है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सुनी सुनाई बातों पर लोग बहुत ज्यादा यकीन कर लेते हैं, खुद से नहीं रिसर्च करते। और एक और चीज मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, और मतलब डेवलपमेंट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि हाँ सिमिलैरिटीज लोगों के बीच में जरूर है। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हम लोग एक जैसे दिखते हैं, सोचने का तरीका और हम कहेंगे कि रहने सहने का तरीका एक जैसा, लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया के बराबर है, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, सीरियस बात करें, नो शक। तो ये चीजें भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है तो हमें उसको ना हजम करना चाहिए, राधा दन के हम कहें नहीं नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि आज के टाइम में जब लोग देखते हैं ना इंडिया के जो हम कहेंगे कि बड़े बड़े शहरों को देखते हैं पाकिस्तान में, तो वो वाकई में हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नजर नहीं आता। यहाँ पे अभी भी अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो वही जो एक पुराना सिस्टम चलता आ रहा है किसी भी सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं। हाँ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर की खासतौर पर बात करें, खासतौर शहरों के अंदर बात करें, सड़क बना जाते हैं फिर उसके बाद पीटीसीएल वालों को भी याद आ जाता है, गैस वालों को भी याद आ जाता है, ओहो हमने तो पाइप डालने थे, हमने तो ये करना था वो करना था, वो फिर खोद के चले जाते हैं, फिर वो सड़क फिर वैसी की वैसी पड़ी रहती है। बट खैर मैं ये कहूंगी कि बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी जगह पर जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडियन वीडियोस हम लोग देखते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लीडर का क्या एक विजन है वो देखते हैं और मतलब उसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें नजर आती है। बट यहाँ पर हमें ये चीजें अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आती। और लेकिन ये लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हो रही, काम करते हैं अच्छा काम जो नजर आ रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को ना इवन कि अगर मैं यहाँ पर भी मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये हमें हमारी सोच होनी चाहिए कि अगर हमें पसंद है या नहीं पसंद वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो काम करी तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यार मुझे इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो एक मेन डिफरेंस लगता है, जो मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, कि हम जब देखते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो पास्ट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो उसे उन्हें कंटिन्यू किया है, उसे जो है एंड तक लेकर आई है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें ना, यहाँ पर जो है ना एक स्टैंप लग जाती है कि क्या नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन की बात करें, जो नून लीग के सपोर्टर है वो ये कहेंगे मेट्रो बस मेट्रो ट्रेन और मोटरवे किसने बनवाई, नवाज शरीफ ने बनवाई ना। हमारा ये मेन मौकिफ ये है यहाँ पर कि भाई बेशक वो उन्होंने बनाई घर से, तो पैसा नहीं ना लाए थे, पैसा तो पब्लिक का था, अवाम का था, टैक्सेस का था जो उन्होंने लगाया है। लेकिन ये ना मौजम के अगली गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम होती ना कि वो पिछले वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेकर बिल्कुल नहीं कंप्लीट करते। बिल्कुल, अगर मैं जो है अभी जो करंट गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है, लाहौर में अगर बात करें तो जैसे ऑरेंज लाइट ट्रेन जो बड़ी देर से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जो है इसे 2-3 साल डिले किया गया, फिर इसे जाकर 1.5-2 साल तकरीबन डिले करने के बाद इसे चलाया गया। वेल मुझे लगता है हम लोग काफी ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करने लग गए हैं, बट ये है कि मुझे बहुत मजा आया वीडियो देखने का। और इसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट था जहाँ पर वॉइस नोट सुनाया गया था, वो तो बहुत ही मजे का था कि आप यहाँ क्या करते, और वाकई में ये सच है कि यहाँ पर यही किया जाता है, हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट ही ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि क्या नाम लेते हैं, अगर वो फल खराब है तो फल नहीं ताड़ना, पूरे का पूरा दरख्त उखाड़ के रख दो साइड पे। मौसम ने क्या मैं कहूंगी कि एक एग्जांपल दी है। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या कहना इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और खुश रहें और जितनी भी दिल में कड़वाहटे हैं या कुछ भी बुरा लगा है वो सब खत्म करके आगे बढ़े, क्योंकि जो खुश खुश इंसान की जिंदगी एक अच्छी गुजरती है ना, वो मन में कड़वाहट रख के कभी भी अच्छी नहीं गुजरती। बिल्कुल, तो खुश रहें और खुश रहने दें, और इसी साथ में ज्यादा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।